नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जनरल टॉपिक्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो, आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बहुत कॉमन समस्या देखने में आई है, जैसे कुछ पेशेंट्स ने बताया वैसे ही टॉपिक चूज कर लिया। दोस्तों, ये है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल फूड्स। दोस्तों, आजकल बहुत ट्रेंड है आर्टिफिशियल प्रिपरेशंस का, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फूड्स कह लीजिए, रेडीमेड जिसे हम कहते हैं, फास्ट फूड्स हैं या बेबी फूड्स हैं, और वो उसके साथ लिंक्ड जो सिम्टम्स में, प्रॉब्लम्स में एग्रवेशन होती है, दोस्तों उसका क्या हल है होम्योपैथी में, आज इसकी बात करेंगे। इन जनरल दोस्तों देखें, अगर आपके पास कोई और समस्या ऐसी, आप यू कम अक्रॉस एनी सच कॉमन एलमेंट या कोई ऐसे प्रॉब्लम, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन ऑलवेज डिस्कस। जो आपके मतलब की कोई प्रॉब्लम जिसका आप हल ढूंढ रहे हैं होम्योपैथी में, तो वी कैन ऑलवेज टेक अप दैट टॉपिक। इसीलिए दोस्तों आज बात करेंगे आर्टिफिशियल फूड्स के साथ समस्याएं जो एग्रवेट हो जाती हैं, जो बढ़ जाती हैं, बच्चों में कह लीजिए, बड़ों में कह लीजिए, बुजुर्गों में स्पेशली, क्योंकि इनर जो इम्यूनिटी है दैट इज वेरी वीक। वो सिंथेटिक प्रिपरेशन को बच्चे भी और बुजुर्ग भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और उसके साथ लिंक्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, आइए देखते हैं दोस्तों कौन सी ऐसी समस्याएं रहती हैं और होम्योपैथी में टॉप की दवा, नंबर वन मेडिसिन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रोवेशन ड्यू टू आर्टिफिशियल फूड्स, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आर्टिफिशियल फूड्स, जैसे बात की, बेबी फूड्स हैं, सिंथेटिक प्रिपरेशंस हैं, इन सिंथेटिक सूप्स हैं, एवरीथिंग बहुत फास्ट हो गई है जिंदगी जैसे, लेकिन उसके साथ लिंक्ड जो है वो समस्याएं हैं, वो प्रॉब्लम्स जो बढ़ के आती हैं, क्योंकि बच्चों में और बुजुर्गों में जो है डाइजेस्टिंग पावर थोड़ी वीक रहती है, इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है, इजीली आर्टिफिशियल जो ये फूड्स हैं इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उस केस में जो एग्रवेशन रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में द नंबर वन मेडिसिन इज एल्यूमिना। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिना इज द नंबर वन मेडिसिन, बहुत बेहतरीन, बहुत ही कारगर रोल अदा करती है, स्पेशली लिंक टू दीज प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं दोस्तों इसका लिंक्ड और कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जहां एल्यूमिना हमारा बहुत ख्याल रखती है। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, एल्यूमिना वहां काम करेगी जहां जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी में वो बहुत ड्राई रहती हैं, उसके साथ लिंक्ड जो समस्याएं हैं, चाहे वो जैसे आर्टिफिशियल फूड्स की बात कर रहे हैं, उस वजह से जो एग्रवेशन रहती है सबसे पहले तो माउथ में रहेगी, क्योंकि जहां से इनटेक रहता है दोस्तों आर्टिफिशियल फूड्स का, बेबी फूड्स का, सिंथेटिक फूड्स का, तो माउथ और थ्रोट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वहां ड्राइनेस रहती है और दोस्तों जो स्टमक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, फ्लैचुलेंस रहता है, बिकॉज ऑफ दीज जैसे कहते हैं साइड इफेक्ट्स कह लीजिए आर्टिफिशियल फूड्स का। तो उसके साथ दोस्तों भूख कम हो जाती है, एपेटाइट बिल्कुल गिरती जाती है, बहुत कम होती जाती है, हार्ट बर्न रहता है, हार्ट बर्न जैसे यहाँ जो हल्का सा हैवीनेस या पेन कहते हैं इन द रीजन ऑफ द हार्ट, लेकिन द कॉज इज एसिडिटी या डिस्पेप्सिया इसको हम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस अगेन लिंक टू द आर्टिफिशियल फूड्स इनटेक, उस वजह से जो सिम्टम रहते हैं। उसके बाद दोस्तों एब्डोमिनल कंप्लेंट्स रहती हैं, एंड वेरी पेक्यूलियर सिम्टम्स जो रहते हैं एल्यूमिना के, वो है दोस्तों वेरी कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन रहती है इस केस में, बच्चे में, बच्चों में और बुजुर्गों में जो कॉन्स्टिपेशन रहती है, आइए बात करते हैं कौन से सिम्टम्स हैं, वहां एल्यूमिना बहुत अच्छा रोल अदा करती है। एल्यूमिना के सिम्टम्स ऐसे दोस्तों, जो एक जो स्टूल है वो बहुत हार्ड रहता है, सख्त रहता है, सूखा होता है, बहुत ड्राई रहता है, और पेशेंट को बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है वाइल पासिंग द स्टूल, उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है। इनफैक्ट अगर स्टूल सॉफ्ट भी रहे तो भी पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़ता है वाइल पासिंग द स्टूल, उसको तब भी जोर लगाना पड़ता है इवन इफ द स्टूल इज सॉफ्ट। ये बड़ा पेक्यूलर सिम्टम है जो एल्यूमिना जहाँ बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों देखा गया है जो रेक्टल या एनल रीजन में इचिंग रहती है, बर्निंग रहती है अराउंड द एनस व्हाइल पासिंग द स्टूल, बहुत ही डिफिकल्टी महसूस करता है दोस्तों, वेरी कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन
फॉर एल्यूमिना पेशेंट्स। एल्यूमिना बहुत मददगार रोल अदा करती है, बहुत मदद करती है हमारी। ऑल द सिम्टम्स ऑल लिंक टू द एग्रीवेशन ड्यू टू द आर्टिफिशियल फूड्स। नंबर वन मेडिसिन एल्यूमिना। दोस्तों एल्यूमिना हम 30 पोटेंसी में दो बूंदे दिन में दो बार दे सकते हैं, डायरेक्ट टंग पे दे सकते हैं या एक टीस्पून पानी में दो बूंदे सुबह दो बूंदे शाम को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा समय लगता है क्योंकि एल्यूमिना इज अ लिटिल स्लो इन डेवलपिंग, उसके जो एक्शन है थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बहुत बेहतरीन रोल है दोस्तों। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द सिस्टम इज डेवलप्ड इन सच अ वे कि आर्टिफिशियल फूड्स की जो एग्रवेशन है वो नॉर्मल हो जाती है, वो ठीक हो जाती है दोस्तों। और उसके साथ लिंक जो भी सिम्टम्स हमने डिस्कस किए सब में बहुत ही रिलीफ मिलता है, पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है। देखिए एल्यूमिना का बहुत बेहतरीन रिजल्ट। दोस्तों आगे अगले वीडियो में फिर बात करेंगे कुछ और ऐसा जनरल टॉपिक लेके। जैसे मैंने शुरू में कहा यू कैन ऑलवेज गिव एनी सजेशन और कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कुछ ऐसी समस्या जो आपको महसूस हो रही है जिसका आप हल ढूंढ रहे हैं होम्योपैथी में। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में, बने रहे मेरे साथ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।